you know, whenever I come to Gurugram, I see people, you know, driving those big cars and looking great. They're always stylish, but cars ki baat ho gayi, ghar ki baat ho gayi. Aapke ghar ko bhi humne sajaya, bahut acche se sajaya, garden ke saath sajaya. Uske baad apni khoobsurti ka dhyan kaise rakhe? The generation of Gurugram is really fast forward. To chale chalte hain hair masters ke paas, jo aapko rakhenge always beautiful. Samar ki is khas report mein. Hello friends, main aapke saath Samar. Shaadi ho ya party, ladkiyan har function mein khoobsurat dikhna chahti hain. इसलिए हम आपको लेकर आ गए हैं गुरुग्राम के हेयर मास्टर सैलून पर, जहां पर कैसे रख सकती हैं आप अपनी खूबसूरती को बरकरार। तो आइए चलिए मेरे साथ। आइए मैं आपको सैलून दिखाती हूँ, फिर उसके बाद में आपको ब्यूटी का दिखाएंगे कि कैसे फेशियल होती है। हाँ जी, आज हमारे साथ जुड़ गई है हेयर मास्टर सैलून की मैनेजर कमलप्रीत, जो हमें बताएंगी कैसे और क्या फायदे होते हैं फेशियल के। हमारे फेशियल के बहुत फायदे होते हैं। बेसिकली आपकी जैसे स्किन ड्राई होती है तो उसको हाइड्रेट करते हैं, डिहाइड्रेटेड स्किन को हाइड्रेट करेंगे और ग्लो आता है, तो व्हाटएवर योर स्किन प्रॉब्लम है उसको कवर करते हैं। तो अभी कौन सा फेशियल आप हमें बताने वाली है? देखा जाए तो मैम की स्किन थोड़ी ड्राई है, तो हम लोग उनको ड्राई स्किन के ऊपर जो जाता है फेशियल वही प्रेफर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग, फेस क्लींजिंग करेंगे। तो जो भी हमारे फेस का मेकअप हुआ हुआ है सबसे पहले वो क्लींजिंग किया जाएगा। ये फेशियल का स्टेप ही माना जाता है। हाँ, ये फर्स्ट स्टेप है। फेस पे से मेकअप नहीं उतरेगा तो फिर पूरा स्किन क्लीन नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि मेकअप उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो कमल अभी क्या फेस पे लगाओगे? ये मैम स्क्रब है, तो स्क्रबिंग हमारे एक्सफोलिएशन के लिए होती है, बेसिकली डेड स्किन जो होती है उनको क्लियर करने के लिए होता है। सेकंड जो स्टेप होता है वो स्क्रब का होता है। हाँ जी, इसे भी आप बता रहे हैं क्या करता है, मतलब इसका क्या काम करता है हमारी स्किन पर? वही मैंने जैसे आपको बताया, एक्सफोलिएट करता है स्किन को। जैसे हमारी स्किन पे डेड स्किन जो होती है, डेड स्किन सेल्स होते हैं बेसिकली, वो बाहर आते हैं, वो अपने आप निकलते नहीं है, उसी की वजह से हमें ब्लैक हेड व्हाइट हेड हो जाते हैं। जस्ट बिकॉज उसको हटाने के लिए हमें स्क्रबिंग करनी पड़ती है। जैसे कि अभी कमल ने बताया कि स्क्रब हमारी स्किन को, कि जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करता है, यानी कि स्क्रब हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप होगा टोनर। हम लोग टोनिंग करेंगे, स्क्रबिंग से पोर्स खुल जाते हैं तो टोनिंग से उसको नॉर्मल करते हैं, क्योंकि टोनिंग बहुत जरूरी होता है स्किन के लिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो स्किन केयर रूटीन होती है घर पे, जो आप रूटीन कर सकते हो अपनी स्किन की केयर के लिए, उसमें तुम क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग क्लींजिंग कर सकते हैं, टोनिंग कर सकते हैं, तो टोनिंग बहुत जरूरी है। कमल अभी अभी हमारे दर्शकों को आप बताइए कि किस एज में फेशियल करना बहुत जरूरी होता है? फेशियल तो आप 20 की उम्र से शुरू कर सकते हैं। वैसे अगर आपको क्लीन अप करने हैं तो 18 साल की उम्र तक कर सकते हैं, मतलब क्लीन अप जो है 18 साल की एज तक करनी चाहिए। लेकिन फेशियल हमें मंथ में लेना चाहिए एक बार या फिर दो बार लेना चाहिए? मंथ में आप एक बार ले सकते हैं। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है टोनिंग। तो हम टोनिंग में इसके जो इनके जो हम लोगों ने स्क्रबिंग करके पोर्स ओपन किए हैं उनको क्लोज भी करेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब है टोनर जो है वो हमारे पोर्स को क्लोज करने के काम आता है। जी, ओके। क्योंकि जो पोर्स खुल जाते हैं हमारी स्किन पर स्क्रब करने से, तो उसके बाद हम टोनर का यूज करेंगे तो हमारे पोर्स क्लोज हो जाएंगे, जिससे हमारे स्किन पे डस्ट और कोई भी एक्स्ट्रा चीज हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी। अब क्या स्टेप है मैम? अब है ये सीरम। तो हम लोग सीरम लगाएंगे सो दैट उनकी स्किन पे ग्लो लाने के लिए।
लाइटनिंग एंड ग्लो. तो यानी कि सीरम बहुत जरूरी है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि सीरम से हमारी स्किन पे ग्लो आएगा और शाइन करेगी. और बहुत जरूरी होता है फेशियल के बाद सीरम का यूज होना. कौन सा स्टेप है हमारा? ये मसाज क्रीम है. ओके, तो अब हम इससे मसाज करेंगे. पूरा जो फेशियल का टाइम होता है वो 45 मिनट होता है, लेकिन जो फेशियल मसाज का टाइम होता है 15 मिनट होता है. तो फेशियल बहुत जरूरी होता है वाकई में हमारी स्किन के लिए. मुझे तो अभी से ही नजर आ रहा है कि आयशा की स्किन काफी ग्लो करने लगी है अभी से. इससे स्किन एजिंग भी कम रहती है. बिल्कुल, और हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो वो भी मसाज काफी हद तक हमारी स्किन को सही कर देती है. अब इसके बाद कौन सा स्टेप होगा? इसके बाद में हम लोग पैक लगाएंगे. ये हमारा आखिरी स्टेप है, अब बस पैक बचा है. तो थोड़ा सा और वेट करिए, बस पैक लगने ही वाला है. तो अभी लास्ट स्टेप है, ये कौन सा है मैम? ये हम लोग अब फेस मास्क लगाएंगे. तो कौन सा मास्क मैम की स्किन के अकॉर्डिंग जाएगा? ये मैम की जो स्किन है ड्राई स्किन है उसी के लिए हम लोग करेंगे. हमारा जो ये ब्रांड है डर्मोलॉजिका, उसी पे है. तो अभी इसमें एक रबर मास्क होता है मैम, तो वो यूज नहीं कर रहे मैम? मैम रबर मास्क इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं, मैम को थोड़ा प्रॉब्लम होता है सांस के लिए, सांस का प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से अवॉइड कर रहे हैं हम लोग. मैम की जो अभी रबर मास्क इसलिए यूज नहीं किया जा रहा क्योंकि उनको सांस की प्रॉब्लम होती है, और रबर मास्क लगाने की वजह से पूरी स्किन पर ये लगता है, पूरे फेस पर ये लगता है, इसलिए उनको दूसरा मास्क दिया जा रहा है. इससे भी इनकी स्किन काफी ग्लो करेगी. अभी मास्क से क्या फायदे होते हैं मैम? मास्क से वही लाइटनिंग होगा और उनको थोड़ा स्किन टाइटनिंग होगा. तो ये आफ्टर सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं हमारे, स्क्रबिंग, टोनिंग एंड एवरीथिंग, उसके बाद में मास्क लगाना जरूरी होता है. तो इसका नाम कौन सा मास्क है मैंने? ये डर्मोलॉजिका का पैक है, वाइटनिंग मास्क. या ये वाइटनिंग मास्क है. जब मुझे सडनली कहीं जाना होता है ना, तो मैं अभी व्हाइटनिंग मास्क लगा लेती हूँ. उसके बाद जो स्किन पर सच में बहुत अच्छा लगता है, पिंपल्स जाती है, स्किन पे ग्लो भी आता है और थोड़ा फेयरनेस. और इस फेशियल का आप खाली अगर मास्क भी लगाएंगे, स्क्रब और क्लीन कर खाली मास्क भी लगाएंगे, तब भी आपकी स्किन बहुत शाइनी करेगी, क्योंकि बहुत अच्छी फेशियल है ये और बहुत ही अच्छा असर है इसका. ये मास्क क्लीन करने के बाद में सनस्क्रीन यूज करेंगे. आयशा की स्किन तो काफी ग्लो कर रही है. उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी पसंद आया होगा ये फेशियल. तो नेक्स्ट वीक मिलूंगी मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ. बने रहिए गुरुग्राम लाइव के साथ. And that's all in Gurugram Life today. I am sure you would have definitely enjoyed the entire half an hour with me because I thoroughly enjoyed it. Aur ab to aapke liye ek aur surprise bhi hai. Sunday ko Gurugram Life ke ek naye episode ke saath bahut sari masti karenge. Saturday, Sunday raat 8:30 baje. Till then, signing off from Gurugram Life. Bye bye.